हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती 2022 के एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। गाइस, क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च बार पर आपको टाइप करना है rsmssv.rajasthan.gov.in rsmssv.rajasthan.gov.in आपको टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। गाइज, इसके बाद आपको डाउन स्क्रॉल करना है और यहां पर आपको एडमिट कार्ड पर आपको क्लिक करना है। एडमिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गाइज, इसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट वाली लिंक, यहाँ पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ लाइव स्टॉक असिस्टेंट 2022, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और गाइज, यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और गाइज, यहाँ पर आपको यहाँ पर प्री मेंस इंटरव्यू से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड फिल करना है। और ये सारे कॉलम्स फिल करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अपना एडमिट कार्ड आ जाएगा और उसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, अपनी स्टोरेज में सेव भी कर सकते हो। यदि आपके पास एंटर एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो इसका भाई मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ। इसमें आपको मैं यहाँ पर बैक ले लेता हूँ। एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पर करना क्या है, देखिए यहाँ पर गाइज आपको यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। और गाइज, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर डाउन साइड में देखिए यहाँ पर फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी, इस पर आपको क्लिक करना है। गाइज, इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको जो आपका यहाँ पर कैंडिडेट नेम है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको फिल कर लेना है और यहाँ पर फादर्स नेम आपको फिल कर लेना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और यहाँ पर आपको यह कैप्चा कोड फिल कर देना है और यहाँ पर आपको गेट एप्लीकेशन आईडी पर क्लिक कर देना है। यदि आप अपने मोबाइल नंबर से भी ये आप फाइंड कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करना है इससे भी आप, और यदि आप रिसिप्ट नंबर उससे भी आप फिल करना यहाँ पर फिल कर देना है और आप अपना एप्लीकेशन आईडी जान सकते हो। तो ये था एप्लीकेशन आईडी के बारे में और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें इसके बारे में वीडियो था। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो पर कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।